गुप्त सूत्रों से पता किया है मैंने। यहाँ पर हमारे सामने दो बड़ी समस्याएं हो चुकी है। दिख रही है पेड़ पौधे उगने के बाद ये पौधे को खाड़ दे रही है, गड्ढे से खोदा उनने और निकाल लिया। नमस्कार दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी मैं आया हूँ खेत अपने, और यहाँ पर मैंने 5 दिन पहले लगाया था मक्का, तो जिसकी ग्रोथ हो चुकी है वही देखने के लिए मैं आया था। अभी इतना इतना बड़ा हो चुका है मक्का, बारिश वगैरह तो बंद हो गई है, लेकिन मिट्टी में नमी थी उसके बाद भी पौधे की ग्रोथ हो चुकी है। तो इसमें जो हरा हरा दिख रहा है ये मक्के भी हैं और कुछ चारे भी उग चुके हैं, और ये बीच में झंडी जो दिख रही है हमने जुगाड़ लगाई थी। दोस्तों खेत में घूमने के बाद पता चला है कि यहाँ पर किसी ने हमारे जो मक्के की खेती के पौधे या दाने को छोटे छोटे जो हमने बो के गए थे उनको खा लिया है। ये पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो जो भी जानवर आया था उसने काफ़ी एक्यूरेसी के साथ काम किया है, जहाँ जहाँ मक्के के दाने हमने लगाए थे वहीं पर खोदा और उसको खाकर चला गया है। क्या लगता है ये वाला खेत जो है यहाँ से आया है और यहाँ से ये साइड के खेत से आया है? थोड़ा साइड वाले खेत में भी चलकर देख लेते हैं कि उनके खेत में कुछ हुआ है कि नहीं। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए निगरानी कर रहा है खेत की, इसने बचा लिया होगा शायद रात में। और यहाँ पर एक और आदमी खड़ा है, नहीं ये तो औरत है, ये औरत खड़ी है, ये आदमी खड़ा है। यहाँ पर भी निशान दिख रहा है, हो सकता है दोबारा से लगा दिए हो किसी ने, खोद काट के गया हो तो। हाँ ये इनके में भी दिख रहा है। गुप्त सूत्रों से पता किया है मैंने, तो मुझे पता चला है कि ये जंगली सूअर का काम है, क्योंकि ये साइड वाला खेत है, यहाँ पर भी खा के गई है उनने दोबारा से लगा दिए हैं, और फिर उसके बाद मेरे खेत में आकर खा के चली गई, अब मुझे भी दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो अभी पूरे खेत का निरीक्षण कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी खाया होगा उनने तो वहाँ पर हम दोबारा से मक्के के दाने को लगाएंगे। मेहनत ज़्यादा होने वाली है, पर क्या करें, फसल के लिए तो हमें इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अभी बाजू वाले से पता करते हैं उनके खेत में सूअर ने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो सामने है, यहाँ पर भी खाइए ना। हाँ यार चलो पास ही चलते हैं, आवाज़ लगाई है तो सुन ही नहीं रहे कोई, काम में व्यस्त है लगता है। यहाँ पर भी दिख रहा है यार ये पैरों के निशान, पाँव के नीचे जन्नत होगी, पाँव दिख रहे भैया उनके। हम आ चुके हैं साइड वाले के खेत, जो कि हमारे रिश्तेदार हैं, ये बड़े किसान हैं, सब कुछ है इनके पास। अरे कोई कुछ खा गई यार सूअर वगैरह, उधर ही साइड बड़े वाले उस हिस्से में भी आई है। रात को तो भगाए थे हम, मगर वो तुम्हारे इसमें किनारे में भी खाई है तुम्हारे वाले, ये यहीं पे बड़े वाले हिस्से में। वो परसों के दिन, परसों के दिन खाई, रात में आ गए ठीक है, दो थे। अच्छा दो ही थे, तभी मैंने कहा झुंडे जैसे नहीं आए यार, नहीं तो फिर मैं ज्यादा पूरे नुकसान कर जाते, बोलना पड़ेगा। ये खेत और यहाँ सामने दिख रहा है गांव, काफ़ी दूर दिख रहा है लेकिन दूर नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर दूर है। एक घर वगैरह दिख रहे हैं जो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने दो बड़ी समस्याएं हो चुकी हैं, एक तो सूअर ने हमारे मक्के खा के चली गई है तो हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा, और दूसरी समस्या यह है ये धूप बारिश होने का नाम नहीं ले रही है, और बारिश नहीं होगी तो हमारे जो मक्के के पौधे जो आए हैं इतने बड़े बड़े तो सब खराब हो जाएंगे। तो ये दो समस्या का निपटारा एक हम कर देंगे दोबारा से लगा कर, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमको, कर लेंगे मेहनत, क्या दिक्कत है, पर दिक्कत बारिश वाली है, अब वो तो हमारे बस में है नहीं। पानी की सिंचाई की व्यवस्था है हमारे पास, लेकिन अब हम बारिश के भरोसे ही हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगेगी उसमें, पाइप वगैरह लगाओ वो सब करो, तो वो सब अभी हम नहीं करना चाहते, तो अब भगवान के भरोसे ही बैठे हैं। तो भाई लोग, किसी ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि कहाँ से हो, तो मैं हूँ वैसे होशंगाबाद से, और ये छिंदवाड़ा जगह है, ये छिंदवाड़ा में खेत है मेरा, पुश्तैनी ज़मीन है, तो यहाँ पर खेती कर रहा हूँ मैं, और होशंगाबाद में भी है तो वहाँ पर भी चलते रहती है, लेकिन ये वीडियो तो छिंदवाड़ा का है। साइड में चलते गई और खाते गई, वो तो किस्मत हमारी अच्छी थी कि कुछ हमारे पौधे जिनकी ग्रोथ हो चुकी थी तो उन्हें न खाइए, और जो नहीं उगे थे उनको खाकर चली गई है। ये दिख रहा है ये पेड़ पौधे उगने के बाद ये पौधे को खाड़ दे रही है, ये बड़ी समस्या है, गड्ढे से खोदा उनने और निकाल लिया।
ऐसे कई जगह किया है, पूरे गड्ढे गड्ढे बना के रख दिए। यहाँ से खा गई ये जड़, बस बची रह गई पौधे की ये जड़, उसको उखाड़ दिया अच्छे खासा लगा हुआ उग गया, इतना बड़ा उग गया था देखो जरा, पूरा 4-5 सेंटीमीटर का यहाँ से उखाड़ी खाने के चक्कर में सारे उखाड़ दिया। ये तो सत्यानाशी कर दी इनने, ये ऐसे पूरे खेत में। अब हमको क्या करना, इन्हीं गड्ढों में दोबारा से एक एक मक्के के दाने रख के उनको वापस से मिट्टी में पूरना पड़ेगा ताकि फिर से इस टाइप के पौधे हमारे बन जाए। एक तो वैसे ही मेरे खेत में आधी से ज़्यादा ज़मीन में ये पत्थर हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची है उन्हीं में मैं खेती करता हूँ, तो उसमें भी ये सब हो जा रहा है, जंगली सूअर का खतरा, क्या ही कर लें। ये कितनी सारी चट्टाने देखो, आधे से ज़्यादा खेत में चट्टाने ही हैं, सब जेसीबी से निकलवाना पड़ेगा, धीरे धीरे काम होगा, काफ़ी सारा पैसा खर्च होगा, और पैसा तब कमाएंगे जब ये पौधा अच्छा बड़ा बन जाएगा और बेचेंगे और पैसा मिलेगा। फिलहाल तो चलते हैं घर। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं फिर से खेत, और ये है इनके 30+ एक मक्का खाया था सुअर लोगों ने, ये ले जा रहे हैं एक एक दाना फिर से ऐसे ऐसे करके खेत में डालेंगे, उसको मिट्टी से पूरेंगे, तो फटाफट से काम निपटा देते हैं। तो आ गए हम लोग खेत और हमने चालू कर दिया यहाँ पर मक्के लगाने का काम, यहीं से स्टार्ट करो। मिट्टी पूरी सूख गई यार, बारिश नहीं हो रही था ना, ये पौधा बच गया, ऐसे पौधे भी नाश कर दिए यार थोड़े, उनको ऐसे बचा देना था तो कितना अच्छा रहता, जड़ निकल गई थी पौधों की। मट्टी कैसे पूरा, ये बस केवल तो हमारे साइड वालों ने सेफ्टी के लिए लगाए हैं खेत के चारों तरफ तार, तो वही आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे सेफ्टी की जाती है। ये देखिए ये उनके खेत की बाउंड्री है, और यहाँ उन्होंने लगा दिया तार, ये लगा ये खूंटी और ये लगा तार, और ऐसे तार उन्होंने चारों तरफ लगा दिए, लकड़ी के जो है खूंटी गड़ी हुई है और इन सब में तार लगे हुए चारों तरफ, तो इन तारों से टकरा के डर के भाग जाती है सुअर। तो दोस्तों हमने काफ़ी देर से मक्के काम कर रहे थे, लगा दिए हैं, और अभी भी काफ़ी सारा बचा है, तो अंधेरा हो चुका है, तो कल आकर सुबह काम करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।